बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, एमओडी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस आउट हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, एलडीसी, यूडीसी और टेक्नीशियन और जितनी भी दूसरी पोस्ट आई हैं, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट कब और किस तरह से, कौन कौन से पोर्शंस में से लिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट सबका जो है, उसमें ऑलमोस्ट 200 एमसीक्यूज होंगे। प्रीवियस 2019 में भी यही था, 2020-21 में भी यही था। और 200 एमसीक्यूज और टाइम ड्यूरेशन इसकी 120 मिनट्स होती है, यानी 2 घंटों में 200 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने होते हैं। और इसका जो कट ऑफ होता है, यानी आप किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, अगर आपने 60 से 70 के दरमियान में आपके मार्क्स होंगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और यही रेशियो बलूचिस्तान और एक्स फाटा रीजन्स वगैरह जो के लो मेरिट के एरियाज हैं, वहाँ ये 45 प्लस पे चला जाता है। लेकिन जो पंजाब के एरियाज हैं या सिंध रूरल और इसी तरह के पीके के एरियाज हैं, तो वो 60 से 70 के दरमियान में ये रेंज करते हैं। इस पे आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अभी किस तरह से सिलेबस किस तरह से है, ये 200 एमसीक्यूज कौन कौन से पोर्शंस में से आएगा, तो मेजर पोर्शंस जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का होगा पहला पोर्शन। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी होते हैं और इसी तरह प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके बाद फिर 3 से 4 एमसीक्यूज होते हैं। इसी के बाद में जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है नंबर 3 पर। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो 20 हर पोर्शन से आते हैं या 10 आते हैं, ज़्यादा चांसेस जो है वो 20 क्वेश्चंस के हैं कि हर पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज आएंगे इसके। और इसके बाद करंट अफेयर का एक मेजर पोर्शन है, इसके भी ऑब्वियसली 20 से 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। फिर है एवरीडे साइंस या जनरल साइंस जिसको कह लें, उसका पोर्शन लाजमी इसमें होगा। 20-25 से क्वेश्चन जो है वो इसमें रेंज कर सकते हैं इसकी। इसके बाद इस्लामियत और इथिक्स का अलग अलग पोर्शन होता है और हर पोर्शन में तकरीबन 10 सवाल होते हैं लाजमन। देन जिस तरह से 2019 में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसका सिलेबस जो था उसमें बहुत सारे पोर्शंस थे। फिर जो 2021 में हुआ है उसमें ये ऊपर के जो 5 पोर्शन मैंने आपको बताए वो थे, लेकिन 2019 में ये बाकी पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड थे। जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस 6 नंबर पर हमारा है और इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस भी मेजर जैसे बुक्स हो गई या फादर ऑफ वो पूछ लेते हैं कि मेजर थियोरी जो है, जिस तरह से रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, इनके प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। ये सारे आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल के थ्रू। मेजर इकोनॉमिक्स थ्योरी और उनके जो फादर्स जिसने ये थ्योरी प्रपोज की उसका पूछते हैं, और कुछ इकोनॉमिक का डेटा पूछ लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में पूछ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से। अब ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें तकरीबन 10-10 सवाल हर पोर्शन के आते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी के और जर्नल जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह के मुतालिक क्वेश्चन होते हैं, और सोशियोलॉजी का भी एक अहम पोर्शन है, इसकी भी तैयारी इस तरह के सोशियोलॉजी के मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट हैं और थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव हैं या अप्रोचेज हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और आखिर में पर्सनैलिटी टेस्ट, जिस तरह से लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए उन्होंने जो 50 क्वेश्चंस तो थे वो यस और नो इसमें होता है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के क्वेश्चन होते हैं, यानी मुझे मुश्किल हालात में मैं डर जाता हूँ, यस या नो, इस तरह के क्वेश्चन भी दिए हुए थे 50 क्वेश्चन, वो भी इसके साथ ही थे। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर या ट्रैफिक एनालिस्ट जो दूसरे टेस्ट थे उनके साथ एस का पोर्शन नहीं था। अब इसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं इन लिंक्स के ऊपर, और ये डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिए हुए हैं लिंक्स। और इसी तरह यूट्यूब की प्लेलिस्ट कंप्लीट आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि प्रीवियस पेपर किस तरह से हुए थे और उसके अलावा जो प्रोसीजर है या इसके बाद कौन कौन से टेस्ट होंगे इंटरव्यू तक, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारा उसके बारे में बताया गया है। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।